मगर नए बिट्टू के साथ मम्मी कुछ बनाने जा रही है स्पेशल मेरे लिए। अभी चलते अंडर। मैं आज क्या बना रही हूँ? आज हम बनाने वाले हैं अमेरिकन छोले। अमेरिकन छोले। अच्छा अंश, इसमें ना हमने 300 ग्राम्स येलो मटर ली है, ऑयल, इधर हमारा सरसों का तेल है, चॉप्ड कोरिएंडर, 3 ग्रीन चिलीज कट करी हुई, जिंजर का एक छोटा सा टुकड़ा हमने फाइनली चॉप्ड कर लिया है, हींग, दिस इज द पेस्ट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक। इसमें हमने 2 ऑनियंस लिए थे, 1 गार्लिक लिया था, उसको क्या करा मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया, 3 फाइनली चॉप्ड टोमेटोस एंड सम पनीर चीज फॉर गार्निशिंग। आपको चीज पसंद है ना, इसलिए ये चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं। हमने छोलों को रात में या सुबह आप भिगो दो 3-4 आवर्स पहले, उसके बाद आप इसे विसल लगा लो सोडा डाल के हल्का सा, फिर उसको क्या करो आप स्टेन कर लो, छोलों को अलग निकाल लो और उसका पानी भी फेंकना नहीं है, हम इसे ग्रेवी बनाने में यूज करेंगे। ठीक है, समझ आया आपको? हमारी कढ़ाई यहाँ पर हो चुकी है, जो हमने सरसों का तेल लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। और इसको पकने तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे। गाइस, हम लोग तो इसे छोले कहते हैं लेकिन बहुत जगहों पे इसे येलो मटर भी कहा जाता है, पीली मटर। मम्मी हमने कहा खाई थी ये येलो मटर। हाँ। और इसको छोले बोलते हैं हम लोग, जो पंजाब गए थे तो हमने वहां खाया था। पंजाब में तो मिलती है। अब आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ पर तेल पक चुका है, हम यहाँ पर 1 पिंच हींग डालेंगे। हींग क्या होती है मम्मी? हींग हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। मम्मी यहाँ पर पत्ती क्यों डाल दी हो? बेटा ये पत्ते नहीं है, तेज पात के पत्ते हैं जो कि हमारे खाने में का टेस्ट बढ़ा देते हैं। गार्लिक और अनियन का जो पेस्ट बनाया था अब वो इसमें ऐड करेंगे। हमारे यहाँ पर मसाला जो हमने डाल दिया था इसमें, अब हम इसमें अपना चॉप करा हुआ जिंजर डालेंगे और हम डालेंगे ग्रीन चिलीज। अदरक का जो टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा आता है और हमारे डाइजेशन के लिए भी काफी अच्छा होता है। अभी तक इसको हम पकने देंगे, हम इसे जब तक पकाएंगे ताकि ये प्याज और जो गार्लिक का जो हमारा कच्चापन था जब तक चला ना, तब तक हम इसे पकाएंगे, उसके बाद हम इसे मसाले ऐड करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमारे मसाले में कच्चापन रह जाता तो मुंह में बहुत गंदा सा टेस्ट आता है। अच्छा। हाँ, आप देख रहे होंगे हमारा जो पेस्ट है वो ऑलमोस्ट पक चुका है, हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें ऑयल ऊपर आ गया है। हाँ। ये आप इससे जज कर सकते हो कि आपका जो मसाला है वो कच्चा नहीं है, ऑलमोस्ट पक चुका है। अब इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, या 1 टीस्पून। एंड एक्चुअली हमारे यहाँ की जो मिर्च है काफी स्पाइसी है, तो हम इसमें हाफ टेबल स्पून यूज करेंगे और अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि हम चने में पहले ही नमक ऐड कर चुके थे तो हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, इसे आप 2 टेबल स्पून भी कर सकते हैं, हमें ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। गरम मसाला 1/3 टेबल स्पून और हम क्या करेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 5 मिनट हम पकने देंगे ताकि ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। यू कैन ऑल्सो एड लिटल अमाउंट ऑफ वाटर ताकि आपका मसाला जले ना। अगर वो अगर आपकी कढ़ाई नॉन स्टिक नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, पानी ऐड कर तो वो लगने लगेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी मसाला हमारा लग भी रहा है तो हमने यहाँ पर इंक्लूड अभी हमने नॉन स्टिक पैन यूज किया। एट दिस स्टेज जब ऑयल थोड़ा और ऊपर आने लगे वी एड आर चॉप्ड टोमेटोज, हम अपने चॉप्ड टोमेटोज डाल देंगे। ये 3 टोमेटोज थे जो हमने फाइनली चॉप कर दिए थे। अब आप चाहो तो टोमेटो की प्यूरी भी डाल सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है वो आपके। लेकिन जब चॉप करके डालते हैं उसका फ्लेवर अलग ही आता है। गाइस बहुत भूख लग रही है, मम्मी से पूछ के चलो। बेटा बस 2 मिनट। अब आप देख रहे हो कि हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है और हमारा जो ऑयल है वो भुन चुका है। अब मैं इसमें क्या करूंगी, जो हमारे चने थे वो इसमें ऐड करूंगी। मिक्स कर लूंगी
जो हमने बॉईल करा था चने के साथ पानी, वो हमने अलग कर लिया था, उसको उसको ही ऐड करेंगे इसमें। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस अकॉर्डिंग आप अकॉर्डिंग पानी ऐड कर दो। पनीर क्रश करके रखा हुआ है, वो भी हम इसमें ऊपर से ऐड कर देंगे। देख रहे होंगे आप लोग, इसमें एक बॉईल आ गया है, हमने जो क्रश करा था पनीर, अब हम उसको क्या करेंगे, ऊपर से इसमें डाल देंगे। इट्स ओनली टू एनहेंस योर टेस्ट, और कुछ नहीं है, वरना छोलों में पनीर आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते। एक्चुअली अंश को बहुत पसंद है क्रश्ड पनीर, ग्राइंडर लिया था, वो भी हम इसमें क्या करेंगे, गार्निश कर देंगे, ताकि वो थोड़ा सा पक जाए और मुंह में कच्चा कच्चा ना आए। पर इसमें एक बॉयल आने तक इस सब्जी को हम पकने देंगे। अब इसका एक बॉयल आने तक हम इसे फिर से पकने देंगे। हमारा इसमें ऑलमोस्ट एक बॉयल आ चुका है, अब ये ऑलमोस्ट सर्व करने के लिए रेडी हो गया है। हम यहाँ पर 1 पिंच गरम मसाला इसमें क्या कर देंगे, डाल देंगे, ताकि इसका फ्लेवर और एनहांस हो जाए। वाओ मम्मी कितना अच्छा बना है ना, रेडी है ना आपकी फेवरेट डिश। और आप किससे खाओगे, राइस से खाओगे, रुमाली रोटी से? सबसे सबसे खाएगा। थैंक यू भाई, आप मुझे चाहिए इस पे 100K लाइक्स। बाय गाइस, मिलते आपको नेक्स्ट व्लॉग पे। टेक केयर, लव यू टू ऑल, बाय। आप इस मम्मी की रेसिपी को शेयर करें, किसी को आती नहीं हुई को आप दिखा दीजिए। मिलते आपको नेक्स्ट व्लॉग पे। टेक केयर, आप अपने टेक करके बाहर से कोई लेकर ना, हमने होम पे बनाया पनीर, बाहर से नहीं लेके आए, हमारा डूब फट गया था, तभी हमने ये इसका बना लिया। कैसा लगे आपको ये वीडियो, इसको जाके शेयर करना, लाइक करना, इस पर मैं इस पर एम करती हूँ 39, बहुत सारे लाइक्स। बाय।